स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फिफ्थ क्लास यूनिट नंबर 1 नंबर्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस की एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, रीड द फॉलोइंग नंबर्स एंड राइट देम इन वर्ड्स। हमने क्या करना है कि हमारे पास बुक में कुछ क्वेश्चन दिए गए होंगे, कुछ नंबर्स दिए गए होंगे, हमने उन नंबर्स को रीड करना है और फिर उन नंबर्स को हमने वर्ड्स में राइट करना है। 1 है हमारे पास 23, 123, 405। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग राइट साइड से 3 डिजिट्स को छोड़कर कोमा लगाना है। जैसा कि हमने ये 3 डिजिट्स हैं इनको छोड़कर कोमा लगा दिया, इसी तरह ये 3 डिजिट्स हैं इनको छोड़ के हमने कोमा लगा दिया। कोमा लगाने के बाद हमने इस पूरे नंबर को रीड करना है। तो इस पूरे नंबर को रीड करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि इस पूरे नंबर के अंदर ईच नंबर जो है वो किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। तो यहाँ पर देखें, ये 1 जो है, ये वाला नंबर, ये वंस की कैटेगरी में फॉल करता है। नेक्स्ट टेंस, 100, 1000, 10000, 100000, और नेक्स्ट 1000 की कैटेगरी ख़त्म हो गई, मिलियन की कैटेगरी स्टार्ट हो गई, मिलियन, 10 मिलियन, ठीक है। और अगर फर्दर आगे भी कोई नंबर होता तो वो 100 मिलियन हो जाता, ठीक है। तो इस तरह से ये 10 मिलियन तक है, ठीक है, ये 10 मिलियन है। अब देखें कि यहाँ पे कोमा, हम 3 डिजिट्स के बाद कोमा क्यों लगाते हैं, इसका पर्पज़ भी मैं आपको साथ साथ बताती चलूँ कि हमारे पास 3 डिजिट्स हैं, यानी एक कैटेगरी को दूसरी कैटेगरी से हमने सेपरेट कर दिया है कोमा के साथ। जैसे 1, 10 और 100 की एक कैटेगरी है, इस कैटेगरी को हमने कोमा से सेपरेट किया तो नेक्स्ट कैटेगरी स्टार्ट हुई है 1000, 10000 और 100000, ठीक है, ये कैटेगरी सेपरेट हो गई है। इसी तरह अगर नेक्स्ट कैटेगरी होती मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन, तो हम कोमा लगा के उस कैटेगरी को भी सेपरेट कर लेते और आगे अगर बिलियन होता, ठीक है। तो इस तरह से हम एक कैटेगरी को दूसरी कैटेगरी से सेपरेट करते हैं। तो यहाँ पे आपको पर्पस समझ आ गया होगा कि हम कोमा क्यों लगाते हैं। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। इसमें हमने देखा कि नंबर जो है वो कौन कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, 1, 10, 100, 1000, 10000, 100000, 1000000 और 10 मिलियन, ठीक है। अब हमें पता चल गया ये नंबर जो है ये मिलियन की कैटेगरी में फॉल कर रहा है, हमने इस नंबर को रीड करना है, ठीक है। हमें पता चल गया उसकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग कि नंबर किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, ठीक है, कि 1, 10, 100, 1000, 10000, 100000, 1000000 और 10 मिलियन, ठीक है। ये 10 मिलियन की कैटेगरी में फॉल कर रहा है, तो ये नंबर क्या है, ये 23 है, ठीक है, 23। तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे, 23 किस कैटेगरी में है, मिलियन की, 23 मिलियन। नेक्स्ट नंबर है 123, यानी कि 123, यानी 123, ठीक है, 123 ये नंबर जो है ये 1000 की कैटेगरी में फॉल कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे, 123000, ठीक है। नेक्स्ट नंबर है 405, मतलब 405, तो ये नंबर जो है ये 100 की कैटेगरी में फॉल कर रहा है, तो इसे हम पढ़ेंगे 405, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस नंबर को रीड करना है। अब देखिए हम इसको वर्ड्स में लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, देखिए 23 मिलियन, ठीक है, मिलियन, कोमा, कोमा के बाद आएगा 1000, 1000, 23, 3 किस कैटेगरी में, 1000 की, थाउजेंड कॉमा, उसके बाद है 405, ठीक है। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 340, 365, और 901। अब देखिए इस नंबर में, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया क्वेश्चन नंबर 1 में कि राइट साइड से इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग राइट साइड से 3 डिजिट्स को छोड़कर हम कोमा लगाते हैं, ठीक है।
उसके बाद हम देखते हैं ये नंबर कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहा है। इस नंबर को पढ़ने के लिए हमें पता होना चाहिए कि इस पूरे नंबर के अंदर ईच नंबर कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहा है। तो चलिए देख लेते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, हंड्रेड थाउजेंड, हंड्रेड थाउजेंड के बाद मिलियन, टेन मिलियन और ये हंड्रेड मिलियन। तो हमें पता चल गया कि ये नंबर मिलियन की कैटेगरी में फॉल कर रहा है। अब देखिए ये नंबर क्या है, ये नंबर है 340, तो इसकी कौन सी कैटेगरी है, मिलियन, तो कहेंगे हम 340 मिलियन। नेक्स्ट नंबर है 365, कैटेगरी कौन सी है, थाउजेंड की, ठीक है ये थाउजेंड की कैटेगरी है, तो 365,000। नेक्स्ट जो है ये हंड्रेड की कैटेगरी है, तो हम इसे क्या कहेंगे, ये नंबर कौन सा है, 901, तो 901, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह, अभी हम इसके लिखते हैं इसको, तो हम लिखेंगे वर्ड्स के अंदर लिखेंगे, देखें 340, ठीक है, 340 मिलियन कॉमा, उसके बाद क्या है, 365,000 कॉमा, उसके बाद 901, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर टू भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री, नंबर है हमारे पास 231, 700, 321, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे इस पूरे नंबर में ईच नंबर कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहा है। तो चलिए देखते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, हंड्रेड थाउजेंड, मिलियन, टेन मिलियन और हंड्रेड मिलियन। अब हमें ये तो पता चल गया कि ये वाला नंबर जो है ये मिलियन की कैटेगरी में फॉल कर रहा है। तो अब हम इसे रीड करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये नंबर कौन सा है, ये नंबर है, जस्ट इस नंबर को आप देखें, ये वाला नंबर जो है ये नंबर है 231, 231 है, कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहा है, मिलियन, तो हम पढ़ेंगे 231 मिलियन। नेक्स्ट नंबर है 700, कैटेगरी इसकी कौन सी है, थाउजेंड, ठीक है, तो हम पढ़ेंगे 700,000। नेक्स्ट नंबर है 321, तो कैटेगरी कौन सी है इसकी, हंड्रेड, तो इसलिए हम 321। अब हम इसे क्या करते हैं, अब हम इसे वर्ड में लिखते हैं, तो लिखेंगे 231, कैटेगरी मिलियन है, मिलियन, कॉमा लगा देंगे, उसके बाद है 700, सेवन हंड्रेड थाउजेंड, ठीक है, 700, ये 700 है, कैटेगरी थाउजेंड की है, 700,000 कॉमा, उसके बाद है 321, 300, देखिए 321 है, 21, ठीक है, तो ये 321। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर है हमारे पास 987,212,905। हमने इस नंबर को पढ़ने के लिए इसे देखना है कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहा है, तो देखेंगे वंस, टेंस, हंड्रेड, ठीक है, हंड्रेड की कैटेगरी ख़त्म हो गई, नेक्स्ट कैटेगरी थाउजेंड, टेन थाउजेंड और हंड्रेड थाउजेंड। हंड्रेड की कैटेगरी ख़त्म हुई तो नेक्स्ट मिलियन की कैटेगरी स्टार्ट होगी, मिलियन, टेन मिलियन और हंड्रेड मिलियन। अब देखिए हमने इसको पढ़ना कैसे, हमें पता चल गया ये मिलियन की कैटेगरी है, ठीक है, ये थाउजेंड की कैटेगरी है, ये हंड्रेड की कैटेगरी है, ठीक है। तो देखें नंबर, ये इस नंबर को आप जिस इस नंबर पर फोकस करें, ठीक है, ये नंबर है 987, ठीक है, 987 है, तो 987 की कौन सी कैटेगरी में है, मिलियन की कैटेगरी में, तो कम पढ़ेंगे
987 मिलियन। नेक्स्ट नंबर है 212, ठीक है। जस्ट इस नंबर को आपने इस नंबर पे फोकस करना है, ठीक है। ये जो नंबर है ना, ये वाला नंबर, इसको देखना है। तो ये है 212, ठीक है। तो 212 कौन सी कैटेगरी में है? 1000 की कैटेगरी में है, तो हम पढ़ेंगे 212,000। नेक्स्ट नंबर है 907, तो 907 100 की कैटेगरी में है, तो इसे हम 907 ही लिखेंगे, ठीक है। अब हम इसे लिखते हैं, देखते हैं। वर्ड्स में लिखेंगे तो हम लिखेंगे 987 क्या है, मिलियन, 87 मिलियन। 2 कोमा लगा देंगे, 212,000, 212,000, ठीक है। इसकी कैटेगरी 1000 है। नेक्स्ट नंबर है 907, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 में 975,30,864। अब देखिए, इस नंबर को रीड करने के लिए देखेंगे इसकी कैटेगरी कौन सी है, वंस, टेंस, हंड्रेड, ठीक है। हंड्रेड की कैटेगरी सेपरेट हो गई, 1000, 10,000 और 100,000, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कैटेगरी 1000 की ख़त्म हुई तो मिलियन की स्टार्ट होगी, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन, ठीक है। अब हमें पता चल गया ये नंबर मिलियन की कैटेगरी में फॉल कर रहा है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के अंदर बहुत से स्टूडेंट्स इस पॉइंट पर आकर कन्फ्यूज़ होंगे, तो आपने कन्फ्यूज़ बिल्कुल नहीं होना। देखिए यहाँ पे 1000 की, ये 1000 की कैटेगरी में आ रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, ठीक है। ये कितने 1000 है, तो यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, इसलिए हम इसे इस तरह पढ़ेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए ये नंबर कितना है, ये नंबर है 975 मिलियन की कैटेगरी में फॉल कर रहा है, तो हम लिखेंगे 975 मिलियन, ठीक है। नेक्स्ट देखें, 1000 के लिए कोई वैल्यू नहीं है, तो हम जस्ट 975 मिलियन। और नेक्स्ट है 864, तो इसकी कैटेगरी कौन सी है, 100 की, तो ये क्या है, 864, तो इसे हम पढ़ेंगे 975,864। तो इसे हम वर्ड्स में लिख लेते हैं, वर्ड्स में लिखेंगे 975 मिलियन, कॉमा लगा देंगे, ठीक है। आ गया है 864। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, ये वाला। इसमें इस क्वेश्चन को, इस नंबर को हमें रीड करना है, ठीक है। इस नंबर को रीड करने के लिए हम इसकी कैटेगरी देखेंगे, ठीक है। जैसे कि पहले हमने क्वेश्चन जो प्रीवियसली हम क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है, उनमें भी हमने यही देखा है कि हम सबसे पहले कैटेगरी फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा नंबर जो है वो कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहा है। तो इसमें भी हम देखेंगे कि ये नंबर जो है, देखें वो नंबर कौन सी कैटेगरी में, ये वंस, ठीक है, वंस, टेंथ, हंड्रेड, ठीक है, वन, टेंथ, हंड्रेड, ये कैटेगरी हंड्रेड की है, तो यहाँ पे ये कैटेगरी ख़त्म हुई, तो नेक्स्ट कैटेगरी 1000 की स्टार्ट होगी, 1000, 10,000, 100,000, 1000 की कैटेगरी ख़त्म हुई तो आगे मिलियन की कैटेगरी स्टार्ट होगी, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन, ठीक है। यहाँ पे मिलियन की कैटेगरी ख़त्म हो गई, तो नेक्स्ट कैटेगरी स्टार्ट होगी बिलियन की, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया बिलियन। अब हमें ये पता चल गया कि ये नंबर जो है वन है और ये बिलियन की कैटेगरी में फॉल कर रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट सारे जो है वो ज़ीरोज़ हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, तो ये हमें इसका मतलब है, हम इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे 1 बिलियन, ठीक है। तो इसे हम पढ़ेंगे 1 बिलियन और राइट करेंगे इसे वर्ड्स में 1 बिलियन।
इसी के साथ ही हमारा एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ख़त्म हुआ। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। तो मुझे दीजिए इजाज़त, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।